नमस्कार, मैं उषा भार्गव, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। यूपी को पहचान दिलाने के लिए कल एक नए दिन की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें सांस्कृतिक धरोहरों को दिखाने से लेकर निवेश जुटाने के लिए सरकार का प्रयास रंग लाएगा। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस इवेंट को बेहतर बनाने के लिए जी जान से मेहनत की है, उसी का नतीजा है कि यूपी में निवेश की बहार देखने को मिली। इस मुद्दे पर हमारे ब्यूरो गौरव श्रीवास्तव ने यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से खास बातचीत की। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से एक नया इतिहास बनाने जा रही है। पहले लक्ष्य रखा गया 10 लाख, फिर 17 लाख और अब 22 लाख करोड़ का लक्ष्य पूरा करने की बात यहाँ सरकार कह रही है। और विपक्ष कह रहा है कि सरकार केवल यहाँ वादे कर रही है, धरातल पर कुछ नहीं होगा। इस मुद्दे बात करने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मौजूद हैं। जानते हैं कि विपक्ष का आरोप क्यों, सरकार इस तरह का इतिहास बनाने जा रही है, इससे क्या कुछ लाभ होने वाला है उत्तर प्रदेश को। कहते हैं हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास जो है राजनीति की माँ होती है और आंदोलन उसका। हम लोग एक राजनीतिक आंदोलन है, इन लोगों की तरह नहीं है कि वादा करके भूल जाओ। हम पिछड़ों के नाम पर वोट लिए और पिछड़ों के नाम पर सरकार बनाए, दलितों के नाम पर वोट लिए, दलितों के नाम पर सरकार बनाए, उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कुछ नहीं किया। किस हालत में उत्तर प्रदेश को छोड़े थे कि अभी हम विदेश गए थे, स्कॉटलैंड, लंदन और मैं ब्राज़ील, मैक्सिको, वहाँ सारे उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर तो इस प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेश में भाग गए थे। अभी हम लोगों ने एक इतिहास बनाया कि जिसे कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने लायक माहौल बनाया। सारे अपराधी, माफिया, जो भी वो माफिया सब गायब हो गए। अब सारे इन्वेस्टर वापस आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की इस भूमि को फिर से वो सोने की चिड़िया विश्वगुरु बनाने की जो पहले हमारे था उसको फिर से इसको सींचने आ रहे हैं। तो ये इन्वेस्ट, बिना इन्वेस्ट किए तो समृद्धि हो नहीं सकती, बिना इन्वेस्ट किए रोजगार हो नहीं सकता। तो आखिर इन लोगों के पास सरकार थी तो क्या किया? विपक्ष में है, उनका आरोप लगाना धर्म बनता है। लेकिन धर्म कैसा होना चाहिए? जनता के लिए जो काम हो रहा है उसमें सहयोग होना चाहिए, राजनीतिकरण नहीं होना हर एक विषय का होना चाहिए। आज दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनका स्वागत होना चाहिए, एक ऐसा माहौल होना चाहिए कि वो लोग इन्वेस्ट करें। अब इन्वेस्ट करें तो सभी के बच्चे और इस प्रदेश के लोग रोजगार पाएँ और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में हमें कामयाबी मिले। इसलिए हम लोग दृढ़ से, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। कहते ना जो कह रहे हैं, धारा 370 कहा, भले 70 साल लगे, ख़त्म करके दिखाया ना। आज के राम मंदिर बनाने की बात की, राम मंदिर बन रहा है। हमने रोजगार देने की बात की, काम हो रहा है। हमने कहा था कि एक को गुंडे माफिया नहीं रहेंगे, ख़त्म करके दिखाया। तो आज के दिन उत्तर प्रदेश की प्रदेश बदलने का कहा था, बदल गया। पहले विधानसभा में क्या था, कैसे लोग रहते थे, आप ही लोग चलाते थे ना, इस पार्टी में। लेकिन आज तो आप ही चलाते हैं कि भाई इतने डॉक्टर, इतने इंजीनियर, इतने ग्रेजुएट, इतने पोस्ट ग्रेजुएट, इतने व्यापारी, इतने जो है वकील हैं, इतने ये कितने महिलाएं, कितने नौजवान, कितने जो है किसान, कितने हर जाति के, हर ये कैसा आपके दिन में। तो ये हम लोग जो आज के दिन प्लेटफार्म दिए हैं उसकी देन है कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो भी हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है उससे अधिक होगा, पूरा होगा। विपक्ष क्यों कह रहा है कि इसके पहले जो सबमिट हुई है उस पर एमयू साइन हुए, तमाम एमयू फर्जी साइन हुए, धरातल पर कुछ उतरा नहीं, क्यों इस तरह का आरोप विपक्ष लगा रहा है लगातार? अगर धरातल पर उतरता नहीं तो जो आए थे हमारे कोरोना काल में बेचारे, उनको कैसे हम लोगों ने संभाला? उत्तर प्रदेश से मॉडल बना माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कि दूसरे प्रदेश ने, दूसरे दुनिया के लोग पढ़ने कि कैसे कोरोना रोका है, उसे हम लोग लागू करें। तो आज हम लोग जितने लौटे थे, इन लोगों की देन थी। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बनते थे, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते थे कि यहाँ के लोगों को दिल्ली, बम्बई, गुजरात, दूसरे जगहों में जा कमाना पड़ता था। हैं, कोरोना आते देखो कैसे लोगों को ढकेल दिया था दिल्ली वाले ने, कैसे ढकेल दिया था महाराष्ट्र वाले ने, कैसे हम लोगों ने पैदल आए, कैसे हम लोगों ने उनको सवारी दी, कैसे लोगों को हमने रोका उस महामारी में जो 100 साल बाद इतनी बड़ी। तो आज के दिन में इस तरीके के कि उतनी बड़ी महामारी हो, अभी जो है यूक्रेन के उस जो वैश्विक जो समस्या खड़ी होगा उसमें भी अगर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर हो, G20 का नेतृत्व भारत करता, तो ये हम लोगों के इस क्रियाकलाप की देन है। और बस मैं चाहता हूँ कि वैसे ही बोलते रहें और जनता के बीच में धोखा वाली बात बोलते रहें, अपने आप धीरे धीरे जनता उनसे मोह भंग करे। 2014 से बोल ही रहे ना, 2014 बोला, 2017 बोले, 2019 बोले, 2022 बोले, अब 2024 भी देख लेते जनता उनको देख। आखिरी सवाल रहेगा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके आए हैं, उस यात्रा के बाद देख रहे हैं मुखर हो गए हैं, और कल भी उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया था, हालांकि प्रधानमंत्री ने उनका जवाब दिया गया और उत्तर प्रदेश से भी जवाब दिया गया, पर कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो जो भारतीय राजनीति शुचिता है
वो खंडित हो रही इस तरह के बयानबाजी से, किसी बड़े पद पर इस तरह के ठग बोलना? देखो, हम लोग भारतीय राजनीति के हम लोग पोषक हैं, हम लोग पुजारी हैं और मानने वाले हैं। कोई भले वो कुछ भी बन जाए, क्रिश्चियन धर्म ले लें, मुसलमान मुस्लिम धर्म ले लें, लेकिन खून तो भारतीय संस्कृति का खून तो यही जड़ है ना, तो मर्यादित होना चाहिए। आज के दिन में 2004 से 2014 का जो कालखंड था 10 साल, उसे हम 20 काल कहते हैं, और आज हम लोग जो बजट बनाए हैं उसे अमृत काल कहते हैं। अमृत काल इसलिए कहते हैं कि अब यह बजट सर्वव्यापी है, सबके लिए है और सभी लोग सराहना कर रहे हैं। हम सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, ऊंच नीच, सभी हर क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे किसानों का हो, नौजवानों का, रोजगार का हो, हर कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा होगा जो हमने लोगों को रिलीफ दिया हो। तो सुख देने का बजट, बजट तो इसलिए बनता ना सुख देने का, इनके समय कौन सा बजट बनता था दुख देने का? आज पहली बार बजट हमारा पास हो रहा है तो इनके लोग, इनके भी सांसद भी थपथपा रहे थे, आप ही लोग वीडियो दिखा रहे थे। इसके अलावा स्वागत जोग हमारी सरकार है, और जानते हताशा के शिकार लोग कुछ भी बोल सकते हैं, हकबक मानसिक संतुलन खोने के बाद कुछ भी बोल सकते हैं। इतना दिन पैदल चल के आए, अब अपने ही पार्टी के लोगों को नहीं जोड़ पाए, तमाम नेता भाग गए इनको छोड़कर। भाई जब अपने लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं तो भारत तो अपने आप जुटा हुआ है, तो अखंड भारत है, ये महाभारत है, ये देश है, ये हर यहाँ भारतीय संस्कृति का है। तो ऐसे में उनके जुबान क्या जो आरोप है वो गलत है। कौन ठग है, कौन महाठग है, आप जनता जानती है, ये जनता सब कुछ जान चुकी है, कौन सही है, कौन गलत है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, किसको क्या किया है 70 साल से, उन्होंने क्या किया है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो 1 रुपये का बिस्कुट $1 1 पाउंड में मिलता था। 70 साल में अभी क्या हो गया कि 1 रुपये का बिस्कुट, मैं इंग्लैंड गया था तो वहाँ हमें 1 रुपये का बिस्कुट खाने के लिए 100 रुपया देना पड़ता। इन्हीं के प्रधानमंत्री थे, कहते थे हम 100 रुपये भेजते हैं दिल्ली से तो 15 पहुँचता गाँव 85 बीच में खा जाते हैं, और 85 बीच में खाने वाले जब ख़त्म हो गए, और अब मोदी जी सीधे दिल्ली से भेजते हैं किसान के खाते में 100 रुपया भेजते हैं, 100 रुपया सीधे पहुंचता है, सीधे गरीब का मकान बनना सीधे पहुंचता है, उसको सीधे खाद्यान्न पहुंचता पैकेट में, अब पूरा खाना मिलता, पूरा इलाज मिलता है आयुष्मान भारत। तो आज के दिन में सारे बीच के जो भ्रष्टाचारी थे ये ख़त्म हो गए हैं, और ये लोग जो ये भारत जोड़ो एक नाम था, ये जितने बीच में ठगी करने वाले लोग हैं जो छापा पर पड़ रहा है वो आपस में जुड़ जाएं, वो एक हल्ला था। और उसको मैं तो धन्यवाद, मोदी जी ने तो कल उसका जवाब दे ही दिया है, और मैं तो धन्यवाद दूंगा ऐसे देश के लिए। एक शीर्ष नेतृत्व, एक विजन और मिशन, विजनरी और मिशनरी जब नेतृत्व करता होता तब देश आगे बढ़ता है, और देश आगे इसीलिए बढ़ रहा, सबका सहयोग चाहिए। मैं कहता हूँ इन लोगों से कि देश के विकास में राजनीति नहीं आनी चाहिए, राजनीति करिए लेकिन जनता के हितों की रक्षा के लिए। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निसार। उनका कहना है सरकार इन्वेस्टर समिट के माध्यम से एक ऐसा इतिहास बनाने जा रही है, उस इतिहास की गूंज आने वाले समय में होगी, और जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना सरकार देख रही है उसको यहाँ पर पूरा भी करेगी। आने वाले समय में तमाम तरह की व्यवस्थाएँ और होगी और तमाम तरह की योजनाएँ सामने आएंगी, वो वक्त बताएगा। पर एक बात स्पष्ट है, सरकार के मनसूबे साफ हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जो गति है स्पष्ट बता रही है कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, और आने वाले समय में तमाम तरह की ऐसी इन्वेस्टर समिट होंगी जो एक नया कीर्तिमान और नया इतिहास उत्तर प्रदेश में बनाती नजर आएंगी। के पर्सन विजय के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 से 12 फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है, और हो भी क्यों ना, 10 लाख करोड़ के लक्ष्य से आगे बढ़ते हुए अब 22 लाख करोड़ निवेश की बात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कही जा रही है। इस मुद्दे पर हमारी संवाददाता ने उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने मत्स्य विभाग के बारे में भी जानकारी दी। चलिए दिखाते हैं आपको कि इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश में कल से इन्वेस्टर समिट शुरू होने वाला है, और सबको यही लग रहा है कि बेरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो योगी सरकार ने ये नई कदम उठाए हैं, तो विपक्षों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं जो आम जनता के पैसा लूट रहे, कोई इन्वेस्टर सबमिट नहीं हो रहा है। तो इसी बात पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं निषाद जी। सर, आपको क्या कहना है कि इस पे जो इन्वेस्टर सबमिट कल हो रहा है, तो विपक्ष कह रहे हैं कि ये जो इन्वेस्टर सबमिट है सिर्फ जो छोटे तबके के लोग हैं, जो जनता है उनके पैसे को लूट रहे हैं, और कोई इन्वेस्टर सबमिट नहीं हो रहा है, इससे कोई बेरोजगारी के बढ़ावा नहीं होगा, ना रोजगार बढ़ेगा, सिर्फ ये फेक है, दिखा हवा है। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, वो अपनी गलतियों को थोपने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। हम तो पीड़ित हैं ना, कैबिनेट मिनिस्टर हूँ डॉक्टर संजय, मैं जब से आया हूँ अपने मत्स्य विभाग में तो पता चला हमारे यहाँ मछली भी उर्दू पढ़ती है,
हमारे उर्दू अनुवादक भर्ती हो गए हमारे विभाग में, उर्दू अनुवादक भर्ती करके इन मछुआरों की नौकरियों कैसे डकैती डाली जाती है, मतलब मछली उर्दू पढ़ती उर्दू अनुवादक भेज दिया, आज के दिन में पिछड़ों से निकाल दिया है, हमको कहीं नहीं 30 साल से लटका है, तो कैसे लोगों की डकैती पड़ती है, कैसे लोगों के रोजगार छीने जाते हैं, इनसे सीखा जाए इनकी सरकार। आज मेरी सरकार मत्स्य मंत्रालय अलग किया है केंद्र में, 20,000 करोड़ तब दिया, 6,000 करोड़ भी, फिर अभी उत्तर प्रदेश में भी मत्स्य मंत्रालय अलग किया, पहली बार है निषाद राज बोट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, पहली बार मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई, तो ये इन्वेस्टमेंट है किसके विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए, किसी को रोजगार देने के लिए अनुदान। अभी हमारा समाज जो था मछली मारने के लिए अनुबंध करता था सरकार से अंग्रेजों के समय से कि हम कमा के सरकार को चुकाएंगे थोड़ा बहुत खाएंगे, लेकिन मेरी सरकार है कि पट्टेधारक को रुपया दे रही नहीं, ले जाओ व्यापार करो, ले जाओ बीज डालो, मशीन खरीदो, अनाज उसको चारा खरीदो, मछली का बच्चा खरीदो, उसे और सुंदर बनाओ, हाई टेक करो, हमारी सरकार है टेक्नोलॉजी दे रही है उन्हें, निषाद राज बोट योजना के माध्यम से दे रही है, मछुआ कल्याण कोष में शिक्षा के नाम पर घर बनाओ, सामुदायिक केंद्र खोलो, आज के दिन बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें इलाज कराओ, ये इससे इन्वेस्ट कहते हैं, ये तब संभव है जब हम उसको हाई टेक कर रहे हैं। मछली विभाग को कोई जानता ही नहीं था, इन लोगों ने 70 साल से भुला दिया था, लेकिन देखिए हमारी सरकार आई है, जन जन तक जान गए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, मुख्यमंत्री संपदा योजना है, फ्री में बीमा है, अभी इन्वेस्ट हो रहा है, हमारे लोग तमाम विदेश से आ रहे हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, केज कल्चर, हम जलाशय में जलाशय, बड़े बड़े जलाशय 40 किलोमीटर के थे, मछली मारने में बड़ा समय लगता था, अभी उसमें जलाशय में प्लास्टिक का जलाशय डाल रहे हैं और तैरता हुआ जलाशय डाल रहे हैं, उसमें हमें मछली मारने में आसान होगा, और जिस क्वालिटी की मछली चाहिए उस क्वालिटी का अलग अलग पाल लेंगे, आज के दिन हम नदियों में हम केज सिस्टम कर रहे हैं, हम RAS लगा रहे हैं हाईटेक में कि हम कम दूरी में कम समय में कम जगहों में हम अच्छी मछली विकसित करा लें, आज गाँव में गरीब के लिए भी हम 30,000 रुपया दे रहे हैं, 50,000 का प्रोजेक्ट है, जो बैकयार्ड अपने दरवाजे पर 5,000 का एक टैंक रखेगा, 10 पैसे की मछली ले जाएगा और 20,000 मछली पालेगा, और जब मैं 3 महीने बाद उसमें बढ़ाएगा मैं 3 रुपये में खुद ही खरीद लूँगा, तो 10 पैसे से 3 रुपया बढ़ाना, इसी को निवेश कहते थे, इसी को कहते थे कि लोगों को रोजगार बढ़ाए, आज हमें 30,000 अनुदान दे रहे हैं कि इससे उनका कल्याण हो जाए, मछली बेचने वाले के पास साइकिल नहीं थी, टूटी साइकिल चल रहा है, 10,000 में हम 6,000 दे रहे हैं, मोटरसाइकिल दे रहे हैं जल्दी से काम करें उसमें, आज के दिन हम 3 व्हीलर दे रहे हैं, आइसोलेटेड वाहन दे रहे हैं, हम इसकी गुणवत्ता बरकरार है उसके लिए हम और भी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, फीड मिल, तो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट कराना जो पिछले लोगों को तो मिला था मौका, पिछड़ों के नाम तो रोड ले लिया, पिछड़ों पिछाड़ते रहे, चंगू मंगू को आगे बढ़ाते रहे, आज के दिन में सत्ता उनके हाथ से खिसक गई। आपने कहा सर कि ये अमृत काल का जब बजट है, और वही सर जो आम जो विपक्ष के लोग हैं जैसे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं, डिम्पल यादव सर, उन्होंने कल संसद भवन में बोला है कि कैसा अमृत काल का बजट है, जो कि यहाँ पे जो युवा है वो रो रहे हैं रोजगार के लिए, तो कौन सा ये अमृत काल का बजट है, इस पे सर क्या कहना? इनके समय जब युवा जाते थे तो लोग तो घोड़ा दौड़वा कचरवाया जाता था, डंडे से पिटवाया जाता था, हम ही लोग हैं अपना हिस्सा मांगने गए रेल पर तो गोली खाते थे, उल्टे 300 लोग मुलजिम होते थे, हमारे लोग भी तो रो रहे हैं, आज के दिन में हमारी सरकार जो कहती वो करती है, धारा 370 खत्म किया, राम मंदिर जो माहौल है उसे बदला, पहले जो इन लोगों ने उल्टा, आज के दिन में सरकार में रोजगार भी है, आज के दिन में इन्वेस्ट भी हो रहा है, हम इजी गोइंग बिजनेस है, वन विंडो सिस्टम है, ये जितने कचड़े थे वो ख़त्म कर दिया, माहौल ऐसा हो गया कि बाहर से आ रहे हैं, ये लोग खुद प्रैक्टिकल देखें ना कि इनकी सरकारें थी, इनकी सहयोग से 2004 से 2014 तक 10 साल दो एक मूक दर्शक प्रधानमंत्री थे, उनके समय ऐसा मूक दर्शक थे कि कैसा लूट हुआ कि अभी ED पड़ रही है, छापा पड़ रहा, सारे लोग क्यों इधर उधर घूम रहे हैं, क्यों बयान दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जाते अगर आराम है तो चले जाएं कोर्ट्स में, न्याय वहाँ से न्याय मिल जाएगा, तो आज के दिन में हमारी सरकार है जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, और जहाँ कहीं मिलता है मौका उनके खिलाफ़ जाँच होता है, और जाँच में कितनों रसूखदार होते हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई होती है। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो इन्वेस्टर सबमिट हो रहा है ये एक उत्तर प्रदेश के लिए एक नई जो बढ़ावा लेके आ रही है, चाहे वो रोजगार में हो चाहे वो व्यापारी में, जो हर सेक्टर में बढ़ावा मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष जो आरोप लगा रही है, तो विपक्षों का जो काम है वो बोलना ही है, वो कभी ना कभी लेके इस चीज़ों के विपक्ष बोलते रहते हैं, तो ऐसे तमाम प्रतिक्रियाएँ संजय निषाद जी दिए इन्वेस्टर सबमिट पर, तो देखते हैं कि अब जो इन्वेस्टर सबमिट हो रहा है वो किस तरह से उत्तर प्रदेश में बदलाव लेके आ रहा है। कैमरामैन विजय के साथ सुहानी सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ।
यूपी में डीजीपी ने पुलिस कर्मियों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी जारी की है। इसमें कहा गया है कि कोई भी पुलिसकर्मी वर्दी में सोशल मीडिया पर वीडियो और रील बनाकर नहीं डाल सकता। इसके साथ ही किसी भी प्रकार का वाद विवाद और टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। जानकारी के अनुसार यूपी पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी ड्यूटी के दौरान ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने, वर्दी में रील बनाने, आधिकारिक दस्तावेजों की तस्वीरें साझा करने और आपत्तिजनक टिप्पणी करने से रोकती है। देश में बच्चियों के साथ दुष्कर्म की लगातार खबरें सुनने को मिलती है। ताज़ा मामला लखनऊ से सटे उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर 8 साल की बालिका से, अबोध बालिका से, एक उसके ही क्षेत्र के व्यक्ति उसे उठाकर ले जाता है और दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है और अगले दिन बच्ची अपने ही घर के पास मिलती है। बच्ची अबोध होने के कारण पहचान तो लेती है लेकिन बोल नहीं सकती, तो उसके परिजन उसे पूछते हैं और इशारों में वो बताती है और पहचान परेड करती है जिस युवक का जिसके उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस मामले को संज्ञान में लेती है और तुरंत तत्काल युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है और मेडिकल करवाती है। फिलहाल बच्चियों के साथ दुष्कर्म के जो होने वाले मामले हैं वो लगातार सामने तो आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं बच्चियों पर भी थोड़ा सा जो है कानून व्यवस्था होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन पर कड़ा सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। फिलहाल युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसे जेल भेज दिया है। कैमरा मैन नीरज के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी, लखनऊ। सोशल मीडिया पर अब वर्दीधारियों को वीडियो वायरल करना या पोस्ट करना भारी पड़ेगा। यूपी पुलिस के मुखिया DS चौहान ने सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत एक आदेश जारी किया है कि यूपी पुलिस का कोई भी वर्दीधारी ड्यूटी के समय या ड्यूटी के बाद किसी भी तरीके की वीडियो या रील्स नहीं बनाए। अगर वो ऐसा करता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। तो वहीं सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत ये भी आदेश जारी हुआ है कि पुलिसकर्मी अपनी विचारधारा, अपनी अभिव्यक्ति वहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी तरीके से रील्स या फिर वीडियो या पोस्ट करने से बिल्कुल मना किया। इससे पहले भी कई बार यूपी पुलिस के वीडियोस, चाहे महिला कर्मी हो चाहे पुलिस कर्मी हो, वायरल हुए हैं और उन पर कार्रवाई भी हुई। बहरहाल देखना यह भी दिलचस्प होगा कि इस आदेश के बाद यूपी पुलिस के कर्मी और अधिकारी इस आदेश का कितना अमल करते हैं। कैमरा मैन नीरज के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी, लखनऊ। उन्नाव जिले में एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। पूरा मामला उन्नाव जिले के सदर कोतवाली के अंतर्गत कांशी राम कॉलोनी का है, जहां बीती शाम स्कूल से घर लौटते वक्त एक बच्ची को बहला फुसला कर युवक उसे अपने घर ले गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। परिजनों द्वारा बच्ची को देर रात तक तलाशा गया लेकिन परिजनों को सफलता नहीं मिली, जिसके बाद परिजनों ने स्थानीय थाने को सूचित किया। घटना के अगले दिन ही बच्ची घर के पास लहूलुहान हालत में मिली। अनहोनी की सूचना पर परिजनों ने स्थानीय थाने को सूचित करते हुए बच्ची के साथ दुष्कर्म का अंदेशा जताया है। पुलिस की तफ्तीश में 22 वर्षीय युवक नजाकत का नाम सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। साथ ही मासूम को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। देश में बच्चियों के साथ दुष्कर्म की लगातार खबरें सुनने को मिलती है। ताज़ा मामला लखनऊ से सटे उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर 8 साल की बालिका से, अबोध बालिका से, एक उसके ही क्षेत्र के व्यक्ति उसे उठाकर ले जाता है और दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है और अगले दिन बच्ची अपने ही घर के पास मिलती है। बच्ची अबोध होने के कारण पहचान तो लेती है लेकिन बोल नहीं सकती, तो उसके परिजन उसे पूछते हैं और इशारों में वो बताती है और पहचान परेड करती है जिस युवक का जिसके उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस मामले को संज्ञान में लेती है और तुरंत तत्काल युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है और मेडिकल करवाती है। फिलहाल बच्चियों के साथ दुष्कर्म के जो होने वाले मामले हैं वो लगातार सामने तो आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं बच्चियों पर भी थोड़ा सा जो है कानून व्यवस्था होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन पर कड़ा सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। फिलहाल युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसे जेल भेज दिया है। कैमरा मैन नीरज के साथ सागर थापा,
प्राइम टीवी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। समिट में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों के लिए योगी सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं। बता दें कि मेहमानों को रोकने के लिए सरकार ने प्रतिष्ठित होटलों को पहले से रिजर्व कर रखा था ताकि मेहमानों को रहने के लिए किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। लखनऊ में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए विदेशी मेहमानों का आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक सब जगह चाक चौबंद सुरक्षा के पूरे व्यवस्था और इंतजाम किए जा चुके हैं। इस समय हम होटल ताज के बाहर हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है लोगों के लिए, और तमाम गाड़ियाँ जो हैं उन मेहमानों को रिसीव करने के लिए निकल रही हैं, और देख सकते हैं कि किस प्रकार से संतरी जो है तैनात किए गए हैं और हर प्रकार की सुविधा जो है मेहमानों को यहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। तमाम गाड़ियाँ उनको एयरपोर्ट से रिसीव करके होटल पे ले जाएंगी। लखनऊ अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैनात है। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो लखनऊ के अलावा अन्य जिलों से भी पुलिस प्रशासन ने मदद मांगी है। पुलिस प्रशासन अन्य जिलों से भी आके यहाँ पे तैनात किए गए हैं पुलिसकर्मियों को। इसके बाद ताज के बगल में ही होटल रेंसा है जहाँ पर मेहमानों को रुकने का इंतजाम किया गया है। ट्रैफिक के साथ साथ पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए और मेहमानों का आगमन अब शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी लखनऊ। हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।